आत्मा परम सूक्ष्म तत्व है, उसी ग्रहण करने के लिए, आत्मा अनुभव करने के लिए उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए। घड़ी की पूजे कहीं बाबा जी की क्षमता से ठीक नहीं है, उसके लिए तो सूक्ष्म चिमटी चाहिए। बाबू जी चिमटा कर मैं उपयोग सूर्य तो सूर्य तुम मोक्ष मार्ग नहीं खा सकते। वे भगवान कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें सब समझना पड़ेगा बिना कहे। माता पुत्र कुछ नहीं कहेगा और माता को सब समझना पड़ेगा, सब पालन कर पाएगी। तुम रत्न से का पालन सब वैसे ही करने जाओ, हमसे कह जी हाँ उपयोग नहीं करो। उपयोग अगर सूक्ष्म नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग भी नहीं चलेगा। उपयोग या जागृत नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग भी नहीं चलेगा। उपयोग अगर अंतर्मुख नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग भी नहीं चलेगा। मानती रहो, जो कुछ भी मानना हो तो मानो, चाहे अपने को मोक्ष मार्ग मानो, चाहे वैसी मानो, चाहे कुछ मानो, जो कुछ मानना समान। उस विपरीत मान्यता से बहुत दुख होगा। पंडित उदमी ने एक बात कही, मुर्दे को जिंदा मान करके उसे जिंदा जैसा व्यवहार करना चाहे ये कोई उपाय नहीं है। मुर्दे को जिंदा माने, जिंदे जैसा व्यवहार चाहे, बोले जी खाए, जाके चुपचाप खड़े हो या और कह दो तो बोल दो, निर्देश करो, आज्ञा करो। अरे भाई एक आज्ञा मानो तो दूसरी आज्ञा करें। हनुमान आए दिन आपने तो बहुत कहा तो तुमने सुना था। अगर अपना कल्याण करना है तो जिनवाणी को स्थिर मन से सुनो, सुनना सीखो। सुनाना मत सीखो, सुनना सीखो। लाख कार्यों का एक कार्य है, ताहे सुनो भव मन चरण, जो चाहो अपनों कल्याण। मुर्दा को जिंदा माने क्या करें, और हम जिंदा जैसी व्यवहार की अपेक्षा करें तो अज्ञानियों से ज्ञानी जैसी व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते। अज्ञानी अज्ञानी जैसा व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे। अज्ञानियों से ज्ञानियों जैसी व्यवहार की आशा रखते ही क्यों। हमने कहा था आपको पुत्र का जन्म हो उसी दिन समझ लेना चाहिए, ये नहीं मानेगा। आपको दुख नहीं हुआ, माने चाहे मत माने, उसकी भली होना होगी तो वो मानेगा, नहीं भली हो रहा होगी नहीं मानेगा। तुम्हारी मानो पूत बढ़ने की सीख ले कटोरा मांगो भी। अगर तुम्हें भला करना हो कल्याण करना हो तो बड़ों की बात मानो, नहीं तो मत मानो, ले कटोरा मांगो भी। भोगों के बिगाड़ी बनी रहो जीवन भर, भोगों के बिगाड़ी बनी रहो, चाह करते हो अंदर याच न करते हो। पाप के उदय में याचना करने पर चाहना करने पर भी नहीं मिले। पाप के उदय में जैसे रोग स्वयं होते हैं ऐसे पुण्य के उदय में भोग स्वयं मिलते हैं। और भेद ज्ञान होने पर भोगों की चाह स्वयं नहीं होती। अरे कौन समझदार आदमी मर्जी को जिंदा मानेगा, जिंदा ऐसा व्यवहार करना चाहेगा। अब ये कभी नहीं जीवेगा, कभी नहीं बोलेगा,
ये सोचेगा कि नहीं, यही सोचेगा, ये कभी नहीं बोलेगा, अब ये लौट के कभी नहीं आएगा। हम रोए तो कि तुम रो, तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारा मोह है, अब क्या रो चाहो, बस तू तो अपना परमन करेगी। हम परपदार्थ को अपने अनुकूल बनाना चाहते, ये मन का हमारी खोटी है, ये समझ में नहीं आ रही, हमारी समझ में नहीं आ रही। अरे समझा तो रहे, मन का खोटी है, क्या समझ में नहीं, इसमें समझ में क्या बात है। पर का दो सीख दिए हैं, पर कोई अपने अनुसार परमान चाहती, ये मन का ठीक नहीं है। अब इसमें समझने की क्या बात, समझने की बात तो ये है कि हम सुन ही नहीं रहे, हम अपनी मानता को सही मान रहे। मुर्दा कभी लौट करके नहीं आएगा, बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो अपना प्रणमन करेगा, तुम्हारा प्रणमन करेगा। माने मुर्दा मुर्दे का प्रणमन करेगा कि वो चेतन का प्रणमन करेगा। मुर्दा शरीर को अपना मानने वाले जीव के प्रणाम कठोर नहीं हुए तो कठोर कर महामुनियों के हुए। पद्मनंदी स्वामी ने लिखा, तुम चीज नहीं जानते, इतनी ही बात, जगत के जीवा ज्ञान जड़ है, तुम उनसे क्षमा की आशा करते हो, सद्व्यवहार की आशा करते हो, सारा ही संसार करिए मुझसे दुर्व्यवहार, सारा संसार अगर हमसे दुर्व्यवहार करने लगे तो भी उस दुर्व्यवहार को मध्यस्थ भाव रखना, समता से सहन करना, परिणाम नहीं हुआ। तुम अपने परिणाम क्यों बिगाड़ रहे, इसका मतलब परिणाम बिगाड़ने में पर का दोष दिखाइएगा, इनने परिणाम बिगाड़, अरे इनको लक्ष्य करके परिणाम नहीं बिगाड़ो तो कौन बिगाड़े, ये क्या करेंगे, कमेंट नहीं आकर के उपचार करना चालू कर दिया, परिणाम नहीं बिगड़े, पार्श्वनाथ गज कुमार ने सिगड़ी रख दी, परिणाम नहीं बिगड़े। अरे तुम किनके भक्त हो, किनका अनुसरण कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, भाई हमारी गलती है, इस सिद्धांत की बात का प्रयोग तो करो के पर की गलती से पर की भूल से हम दुखी नहीं हो सकते, पर जब दुख का सुख का कारण नहीं बन सकता, अब मानते रहोगे तब तो दुखी रहोगे, हम क्या करें, और दुखी रहने की योग्यता होगी तो मानते ही रहोगे, ऊपर ऊपर कुछ और भीतर भीतर कुछ और। कितने दिन बाद जिंदा हो जाएगा मुर्दा, कहाँ जिंदा हो जाएगा, चौथे काल में, अयोध्या में, ठेकर जी में, तुम क्या कर रहे हो। पर जब विका प्रणमन अपने अनुकूल कराने की कोशिश करोगे तो जहां जाओगे वहां दुखी होगी, पर जब भी अनंत है कि नहीं, कौन किसके अनुसार प्रणमित हो जा। पुराने लोग कहावत कहते थे, एक हाथ में पांच उंगलियां बराबर होती हैं, तुम सोचे सब एक से हो जाए, अरे सब एक से हो जाएंगे नरक कौन जाएगा, पिंज कौन जाएगा, देव कौन बनेगा,
अगर सुखी सबके सुख पर राम हो जाएंगे तो महाचारी की तीन कौन जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। हम तो कह रहे कोई इंच इंच बने, कोई नरक न जाए, लेकिन क्या करें, अगर तुम्हें तेरी इंच नहीं बनना है तो मायाचारी छोड़नी पड़ेगी, अगर तुम्हें नरक में नहीं जाना है तो ये रौद्र ध्यान संकलित प्रणाम करना, बात बात में प्रणाम बिगाड़ना, ये छोड़ना पड़ेगी आज। दवाई भी चलती है और कुपथ भी चलता रहे, कभी ठीक नहीं हो पाओ। हमारी पूजा भी चलती रहेगी, सामायिक भी चलता रहेगा, स्वाध्याय भी हम सुनते रहेंगे और बस सोचेंगे वोई बोलेंगे वोई जो हमारे भीतर भरी है, उल्टी की उल्टी। तो डोरो में लिखा तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। अब तुम सब मन कसाई समझ कैसे बैठे, अगर कोई पाप का ही उद्यम करे कहने पर भी तो समझ लेना चाहिए इसका तीव्र उदय है। तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं चले, ओ उल्टी हो गई, कपड़े बिगड़ रहे तुम्हारे नहीं उसी मालूम है। जब उड्डी करने वाले को एकदम सामने से उड्डी खाली हटो 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 नहीं तो मैं खिड़की बांध ली, और खिड़की पर नहीं आ पाए तो उसकी कपड़ों पर उड़ी हो गई। दया का पात्र है, कर्म के क्रोध का पात्र है। अगर क्रोध करेगा तो तुम्हें दोष देंगे, चार जने तुम्हें दोष देंगे, इसकी तबीयत खराब हट क्यों नहीं गई, जल्दी क्यों नहीं गई, तुम्हें कपड़े धो लो, कपड़ों कपड़े उससे ज्यादा कीमती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, जैसे हाई डोज के बाद हल्की दवाई काम नहीं करती, ऐसा नहीं करता, आप क्या करें। ऐसे ही हमने सुन रही है कछु ऊपर से सो जिस ऐसा लगता है ये तो शुद्ध बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं, इनसे कहा है, इनसे ऐसा सुनते हैं जैसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। हम ये डेढ़ कल की बात नहीं समझ पा रहे, क्या हमारी समझ में समझने नहीं आता, इसमें दूसरे का दोष देखता चुप रहती क्यों, बोलते क्यों नहीं, इसमें समझने की बात क्या, खड़े हो जा खड़े हो जा, बैठ जा बैठ जा, चले जा चले जा। हम परपरास को अपने अंकुर बनाना चाहते हूँ, हम खड़े हो जाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, अरे छोटे तो हो ही, हम का खड़े हो जाए, मई का गलती है पहले गलती बताओ। ये भगवान दुनिया की पंचायत करो समाधान कर सकोगे, उन योगीश्वरों ने कैसे समता भाव से उत्सर्ग सेन करे, और तुम कुछ नहीं जन करना चाहते, तुम केवल अनुकूल व्यवस्था बनना चाहते। हम कह दें तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो बुरा लगे, क्यों, अगर श्रद्धा नहीं होता तो हम यहाँ बैठे होते, यहाँ रह रहे होते, हमारे घरे की रोटी नहीं। अरे तुम्हारा जी कौन कह रहे हो, तुम ही तो कह रहे हो, हमारे कहने से क्या हो जाए, सिद्धांत बिगड़ जाएगा। वाणी जी से लोग बोले स्वापी जी कमरे छिना देंगे, क्या छिना दे,
हमारे भीतर की श्रद्धा कोई रोक नहीं है। नहीं सर्टिफिकेट चाहिए कि श्रद्धा चाहिए ये होता। अपना पोषण चाहिए कि अपनी भूलो तो दूर करने की चेष्टा कुछ। क्या करें सुनाने का मौका पड़ गया सुनूंगा रही नहीं तो मन नहीं होता कहने का भी काय को कहें बुरी लगती है और बुरी नहीं लगती। बुरी तो लगेगी लेकिन बुरी नहीं लगेगी। भावों में बुरा होगा इस विपरीत मान्यता से ये नहीं लगेगी। ये ऐसी काय उपाय है ये पता नहीं। हम अपनी इच्छा के अनुकूल क्यों सुनना चाहते। जिंदगी भर यही बोलेंगे हमें समझ में नहीं आ और इस समझ में न आने में तुम्हारा दोष होगा। कर कुछ भी कहते हैं एक शब्द बोलोगे नहीं जिंदगी में आ जाओगे अपने काम कर रहे हमें सेवा करनी है हमें मौका ये करना। अरे काय की सेवा शरीर और सो भी शरीर की तुम्हें टाइम मिलेगा तब तुम्हारे पास सारी बोल धरी गुस्सा हुआ है। अब तुम्हारी कल्याण कब हो पाए कल्याण कब हो सकेगा। परपरात को अपने अनुकूल परमात्मा के अनंत काल भी छुपी नहीं हो सकता। बस परार्थ हमारे विकल्प के अनुसार परिणमित नहीं होंगे। भी अपना परिणमन करेंगे तुम्हारे तुम्हारे अनुसार नहीं परिणमेंगे। ये काले बाल देखते देखते सफेद हो जाएंगे सबके झुरियां पड़ जाएंगी अपने आप। तुम कितनी रोकने की कोशिश करो बुरा पाएगा मृत्यु आएगी आई। अब तुम्हें अगर नहीं चाहिए तो तुम अपना कल्याण करो। कैसे परमात्मा की भक्ति करो स्वभाव की दृष्टि करो। लेकिन हम तो इतने पढ़ रहे हैं स्वभाव माने समझते थे काले स्वभाव आत्मा का स्वभाव। अरे संसार दुख रूप है ये भी स्वभाव है संसार का। लेकिन ये समझोगे ये तो हम जानते हैं जो हम कहेंगे सो तुम समझोगे हम जानते हैं और जो तुम कहोगे तो बताओगे। खुद पूछेंगे नहीं और पूछो तो बताएंगे बोलेंगे नहीं समाधान करेंगे टेंशन में रहोगे। अरे भाई ये सोचो ये टेंशन हमारे विपरीत विचारों का फल है। कोई विपरीत विचार किया होगा तो इसलिए टेंशन हुआ। अगर विपरीत विचार नहीं करें तो टेंशन कैसा होगा हम नहीं रह पाएंगे। अरे तुम क्या रह पाओगे नहीं रह पाओगे कर्म तुम्हें रहने नहीं देगा। क्या समझते हो तुम अपनी इच्छा से नहीं रह गए। उस दिन हमने कहा था नरक में एक क्षण भी नहीं जीव रहना चाहता और पूरी आयु पर्यंत रहना पड़ता और स्वर्ग में मरना नहीं चाहता लेकिन उसे आयु पूरी होगी तो मर गए। उस वर्ग के भोगों को छोड़कर माता के पेट में जाना पड़ता क्या करे। हम नहीं रहेंगे जैसे कहो व्यसन करे
इसलिए सब चले जाएंगे। सब्जी बात छोड़ो तो पहले अपनी बात कहो। सब चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे जैसे तुम्हारे हाथ में हो, तो जिम्मेदारी हो सब। जिनकी खोटी होना रहे वे ही संसार में भटकेंगे, वे ही विपरीत विचार करेंगे। जिनकी भली होना रहे वे दिन करेंगे। क्या लिखा सूता के स्वरूप में, इसकी भली होना रहे उसको विचार आता है मैं कौन हूं। ये विचार नहीं आते ये कौन आके बैठ गए, ये कौन बैठा है। अच्छा ये वहां के शेख हैं, कछ दे यहां तुम्हारा उदय नहीं है तो कौन ले जाएगा। तुम क्यों अभिलाष करते हो। अरे भाई हम तो मंदिर के तो कहे हर जड़ा दे काय को है रे। तुम कब मंदिर के को हो, तुम्हें क्या करने। अब अच्छो लग रहे हो, अब खराब लग रहे हो। अच्छी बुरे की कल्पना को छोड़ो। जिस कार्य की योग्यता नहीं है उसको कोई नहीं कर सकेगा। जिसकी खोटी होना है उसको कोई नहीं समझा पाएगा। तीन के समझ में आ जाएगी, हार समझ में आ जाएगी। क्यों तीन इंच बेनवान हुआ। तीन ज्यादा पढ़ा दिखा नहीं हुआ, तुम अपने को पढ़ रखा समझती हो इसलिए समझ में नहीं आते। माता की बात पुत्र को समझने के लिए कौन सी किताब देखनी पड़ी। जिनवाणी की बात समझने के लिए क्या बुद्धि लगानी पड़े। लेकिन हम अपनी अनुसार समझना चाहते हैं। एक वक्त पढ़ा है तुमने, अनंत बार अपनी मान्यता के अनुसार साथ बढ़े, साथ के अनुसार अपनी मान्यता नहीं बढ़े। अनंत बार अपनी मान्यता के अनुसार गुरु को माना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। गुरु को देख करके ये नहीं सोचा आत्मा जाना चाहिए, क्षमता रखना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए अन्न को, निवास नहीं जगाना चाहिए खाने पीने में। जब शास्त्र के अनुसार अपनी मान्यता बनाए तो कुछ बात बने। हमने अपनी मान्यता के अनुसार शास्त्र पढ़ ली और मान लिया हमने शास्त्र पढ़ ली। हम सुन रहे, हम ये पूछते हैं यहाँ बैठे होने पर भी कौन ऐसा मानेगा हमने नहीं सुना। अभी हम कहते हैं यहाँ बैठ करके भी पाप क्यों मान रहे हो, तो अब ये आपको लगेगा हमसे नहीं कह रहे पाप, हम कहाँ मान रहे। तुम नहीं मान रहे तो क्या मान रहे, हम तो साथ सुन रहे। अरे साथ सुन रहे कि हम सुन न कर रहे। मुर्दे को जिंदा बन, कमरे से आ रही थी सब विचार है हमने की मुर्दे को जिंदा बन ये कहा है। हम मान रहे मुर्दे को जिंदा, मुए संग रहे बहुत कुछ मुए मान रहे कि नहीं। लेकिन हम तो नहीं मानते, वो तोतला भी ये सोचता है हम तो नहीं बोले। क्या तुम सोच रहे हो हम तो नहीं मान रहे। अरे तुम नहीं मान रहे तो कौन की बात है, कौन सा कह रहे। तुम सुनते नहीं हो तो अपने को छोड़कर ये सोचो ये सुनते नहीं।
ये कहां से आ गई? हमने कहा तुम सुनते नहीं हो, कहा तो तुम सुनते नहीं हो, तुम सेकंड वाचक है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, एक वचन है, एक दो वचन है कि बहुवचन है? अरे पुराने लोग कहते थे वैसे ही नकल में भी आकर चाहिए, द्रव्य संग्रह टीका में ये श्लोक दिया है कि अंधे को दर्पण क्या करेगा, दर्पण यदि अपना चेहरा देखने के लिए निमित्त है लेकिन अंधे के लिए क्या करेगा? जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं हो उसको शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र में सद होते हैं, मर्म ज्ञानियों के ज्ञान में होता है। हम नहीं आएंगे जैसे हम रह रहे हो, मानते हैं ये हम रह रहे हैं, कोई देर नहीं पाएगा इतनी तकलीफ में जैसे हम रहे। अरे तुम्हारा इतना अभिमान, राज्य के पालन पोषण हम ही कर रहे हैं। शिवाजी ऐसा सोच रहे उन्हें एक पत्थर रखो एक तोड़ी हो जाए, बम एक मेढ़ की निगरी जाओ को पालन कर रहे, जाकर तुमने कालीन साहब करो बता नाराज। हाथ जोड़े से काम तोड़ने चले, हाथ पे हाथ डाले से काम चले, कर तो छोड़ने से काम चले, अपना उपयोग अपने में जोड़ोगे तो काम चलेगा, और अपने में जोड़ने का व्यवहारिक अर्थ नहीं समझे, अपने को बताने वाले देवदास गुरु के प्रति उपयोग जोड़ेंगे तो काम चलेगा। ये पहले नंबर की बात लिखी है जयचंद जी ने, जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है उनके वचनों को सुनना। हमने सोच लिया हम तो सुन रहे, अरे तो तुम सुन रहे हो, तुम इनमें शामिल नहीं हो, तू कौन है? अपने को अलग क्यों समझ रहे हो? और फिर अलग हो तो बैठ, अलग बैठ यहां बैठ जाओ, विचार करो, मुर्दे को जिंदा माने क्या करेगा बता? वो कोई और नहीं है, मुर्दे को जिंदा मानने वाले हम ही हैं। इस शरीर मुर्दा है कि जिंदा है? ये पक्षी जिंदा है कि मुर्दा है? अरे पक्षी का शरीर तुम्हें दिखाई देता है कि पक्षी का आत्मा दिखाई देता है? आत्मा तुमने देखा ही नहीं, आत्मा तुम्हारे ऐसा भगवान है, लेकिन ये पक्षी मुर्दा, ये पक्षी जिंदा है। शरीर के भेद से पूज्य स्वामी कहते हैं समाज तंत्र में, शरीर के भेद से जो आत्मा के भेद जानता है वह मिथ्यादर्शी है, बैर आत्मा है। ये भैंस है, ये गाय है, ये आदमी है, ये ऊंट है, ये पंडित जी हैं, ये बड़े पंडित जी हैं, ये छोटे पंडित जी। अरे सामान्य सा दृष्टांत है, तत्व से ही गोली वो नहीं जानती हिंदू है जो मुसलमान है, छोटा है जो बड़ा है, ये अमीर है ये गरीब है, तत्व से की गोली दर्द को मिटने में समर्थ है, इनकी हिंदुओं के जो विश्वास रखेगा जो उसका सेवन करेगा उसका दर्द मिटेगा, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, हिंदू हो मुसलमान, वो गोली भी ये भेद नहीं करती,
तुम कैसे, तुम चेतन हो गए, अपने को समझदार मान के भेद कर रहे हो। पूज्यवाद स्वामी ने समाधि चंद्रमा ने समाधि शांति का उपाय क्या लिखा, अगर देह के भेद से आत्मा के भेद मानता है तो मिथ्या दृष्टि है, बद आत्मा है। देह के भेदों से आत्मा में भेद उसी प्रकार नहीं होते जिस प्रकार से, जैसे कोई लाल कपड़ा पहन दे तो लाल नहीं हो गया, मोटा कपड़ा पहन दे तो मोटा नहीं हो गया, पतला कपड़ा पहन दे तो पतला नहीं हो, जीर्ण कपड़ा पहन दे तो जीर्ण नहीं होगा। क्यों, कपड़ा भिन्न है, पहनने वाला भिन्न, ऐसे ही आत्मा भिन्न है और सही भिन्न है। हमें बहुत हर्ष है, तुम्हारे आने का जाने का कोई भी हिसाब नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके संयोग में हर्ष होता है, उसके वियोग में विषाद होता ही है। यत्रागम पदम गति द्विषम तत्व प्रवर्तते, चलो अच्छी रही। हम तुम्हारे आने में बहुत हर्ष है, हमें कैसे हो जाएगा, ये स्वचन बाधित कैसे सोचते हो, हम नहीं करेंगे गलती पड़ते। अरे तुम करने वाली होगी तो नहीं करो, तुम ही करोगी। ये नहीं करेंगे तुम ही करो, कोई आए के बैठ गो और सूच चलो चले, क्या करोगे, तुम ही नहीं करोगे। अहंकार क्यों करती हो, होने वाले कार्य को तुम रोक नहीं पाओगे, न होते हुए कार्य को कर नहीं रहोगे। अहंकार से भरा होने पर भी कुमार कोई बालू का घड़ा नहीं बना दे, हम बनाते घड़ा, तुम बना दे बालू का घर बन रहे हो। बालू का क्यों नहीं बनाती, इसमें पीला कपड़ा लगा दो तो पीला रंग दिखाई देगा, इसको दीवार में क्यों नहीं दिखाई दे, लकड़ी में क्यों नहीं दिखा, इस फटीक में क्यों दिखाई देगा, बड़ी की उस समय की योग्यता ऐसी है, दीवार नहीं आई। हमारा चेहरा इनकी ओर देखेंगे तो क्या दिखाई नहीं देगा, कभी समझ में नहीं आएगा। तुम समझते रहोगे मैं तो क्या और जीगे जी ने तो हे कहां से आ गए, इस कहां से आ गए, सुख दुख के कारण कहां से आ गए, अच्छी बुरी कहां से आ गए। इंद्री सुख की अभिलाषा करने वाले को इंद्री ज्ञान की अभिलाषा करना चाहिए, इंद्री सुख की अभिलाषा भी छोड़ देना चाहिए, इंद्री ज्ञान की अभिलाषा छोड़ देना चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए अभिलाषी होकर के तब समझ में आएगा, जंगल में बैठी बैठी का कर रहे बिना सांस के। तब समझ में आएगा, जब जंगल में बैठे हुए मुंडा वही स्मशान में, जंगल में भी स्मशान में, तब समझ में आएगा संसार रहता है। अभी तो अनुकूलता में बात कर लेते हो, उसके बाद चुप हो जाते, मन जब बोलिए सुविधा मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, सब लोग परेशान हो,
परेशान होते तो किए क्यों नहीं दूसरे दिन, कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? लगता है तुम्हें परेशान, तू तो साधरनी साधरनी नहीं लगता, अपनी मान शान देख रखती कुछ कुछ है हम। अरे गांव में साइकिल लेकर के कोई निकल जाता तो ये समझता जाने कौन से गए, ये सब पैदल चल रहे हम साइकिल से। अगर मोटरसाइकिल वाले को साइकिल दिखाई दे रहा तो ए जी साइकिल, समझते बड़े आदमी के साइकिल भी चलते मोटरसाइकिल, और फोर व्हीलर में बैठा हो तो उसे ये लगेगा मोटरसाइकिल वाले बेचारे गांव में कम ही गए, सूख रहे पानी में भीग रहे, ये बहुत दुखी है। आत्मा में बैठोगे तो सब दुखी है, समझ में आई? भाई भाषा की अंकों से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी बेगम सुंदर नहीं, फकीरी अंक से देखोगे तो सब का सुंदर है कछ भी सुंदर नहीं, का करें या सुंदरता। तो इसमें सुंदरता की कल्पना भी आत्मा सुंदर है उस सुंदरता को तिरोभूत करने वाली है, कल्पना भी दुख का कारण है, लेकिन नहीं समझना। इन बातों में कोई दम नहीं है, ये समझ में आया तो समझ में आएगी जी का करें। ना देखे कोई तुमने लिखो है नहीं तो ऐसी बात करेगी। वे पंडित जी अपने को पंडित जी समझते नाटक लिख रही है तो भी समझ तुम नाटक देखो, हमें चाहेंगे कहा मिलो, हमने बताओ कहा पति को, ये तो मौका ही कहा है। अरे ये शकुन समझोगे तो सब शकुन भूल जाओगे, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगी मुहूर्त का कहते हैं। हम कह रहे ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है ये मुहूर्त आर्थिक योगों के लिए है, आर्थिक ग्रह जिन्हें कही अबे का करने एक आध महीना में छह चार छह महीने में तैयारी करनी है, ये मुहूर्त आ गया 15 दिन में तैयारी करने हो जाएगी, आपका प्रसाद जग जाएगा अपने आप। तैयारी 15 दिन में करने सब मैदान साफ कराने करने नहीं है ठीक है, दो एक एक सवा लगाई लग गए कोई बात नहीं, लेकिन मैदान संजा को था कर से तैयारी शुरू, मुहूर्त आ गया। अब तो 1 साल कोई मुहूर्त नहीं है, अच्छा तो ठीक है का ठीक है, प्रमादी हो जाओ कल हम बैठे चर्चा कर रही थी, दोपहर में पुराण लेकर के बैठ जाएगा, दोपहर ही बड़ी होने लगी सो गए, सुखाए को सो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सोते, अरे थके नहीं हो तो सोने का अधिकार तुम्हें क्या है, और सब प्रकार के आसनों के थकान मिटाने का एक आसन है सब आसन, मुर्दे को मुर्दा समझना। लेकिन नहीं हम थकान मिटाने के लिए हाथ पहुंचा देंगे, करता नहीं है लेकिन ये कहां से आए।
और थकान मिटाने वाला आसन सब आसन वाह तो हम हाथ पौधा भाई माने हम नहीं मानेंगे जिद कर दी हमने जिनवाणी की बात झाड़ू तो लगानी पड़े अब काऊ न काऊ को हाँ बिना लगाए लगती है ये समझ में नहीं आया काऊ न काऊ नहीं तुम्हें ही लगानी पड़े और अगर तुमने ज्यादा अहंकार किया तो झाड़ू लगाने वाले मत बन जाना सड़क पे झाड़ू लगानी पड़ेगी ये मत सोच लेना कहीं अगर मन में झाड़ू नहीं लगाओगे तो सड़क पे झाड़ू लगानी पड़ेगी ये कचरा साफ करनी पड़े क्या हम कच जानते इन बातों में कोई दम नहीं है ऐसे जाने को जानना कहते ही नहीं हम कुछ करते ही नहीं है क्या हो जाओ अरे हमारे विकल्पों से क्या होगा ये बताओ विकल्प कर रहे हो क्या हो जाएगा अपने विकल्प से अपने को ही पाप का पुण्य का बंद होगा अपने विकल्प से अगर दूसरे का नुकसान होता हो तो बता हम लोग यही खाएंगे तुम भूखे रहे हो बात जी कहां से आई अरे हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम ही भूखे रहेंगे तो हम क्रोध करेंगे तो हम ही दुखी होंगे हम मान करेंगे मान महावीर रूप करे नीच जगत में किसकी तुम आई मान हम करेंगे नीच गति तुम्हारी होगी मान हम करेंगे तो गति भी हमारी नीची होगी कुछ नहीं कर सकते देखो कहाँ कहाँ टटोल के सूक्ष्म उपयोग थे अगर हमारे जीवन में पाप की अनुमोदना भी होती हो तो छोड़ देना चाहिए समस्त चारित्र का मूल भावना है और भावना रहित का चारित्र भी नष्ट हो जाता है चारित्र माने साक्षात्कार काम भाव और सम्यक दर्शन माने साम भाव और सम्यक दर्शन माने क्या अंतर समझोगे साम भाव सुखरूप है साम भाव ही शरण है साम भाव वाला जीव कहीं अचरण नहीं है ऐसी सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है साम भाव का सिद्धांत माने मोछो बीन पढ़ना ये कोई बात नहीं साम भाव माने साम भाव ही शरण है साम भाव के अब मैं जानी समता बिन नहीं कोई अंत आई इस प्रसंग में हमें समता रखना चाहिए चाहे क्रोध का प्रसंग हो चाहे लोभ का प्रसंग हो चाहे शोक का प्रसंग हो कहूं चलो कहां चलो अरे जहां हो वहीं से दस की साधना करो जीवन में मंगलाचरण हो जाए माने तुम्हारा आचरण भी मंगलमय हो जाएगा श्रद्धान की बात तो बहुत दूर है भी विचार में होगा तुम्हारे विचार मंगलाचरण हो जाएंगे और तुम्हारा आचरण भी मंगलाचरण आचरण माने बाहर से देखो स्थूल रूप में देखो तो चेष्टाओं को आचरण कहेंगे तुम्हारे आचरण मंगलमय हो जाएगा माने चेष्टाएं भी मंगलमय होंगी
तुम्हारा उठना बैठना ये सब मंगल में हुआ, किसी जीव को घात नहीं होगा। पहले पीछी दवाई फिर उठाई फिर डाली, प्रतिष्ठापन समिति स्वयं पलेगी के पालनी पड़ेगी। लेकिन स्वयं पर दखी हो तब, जब तक स्वयं पर दखी नहीं हो तब तक उसे हमें करनी पड़ेगी। माता को तीन पुत्र हैं, उन्हें पलते हैं, और एक कहीं अगर पड़ोसी का हो, रिश्तेदारी का हो तो पालना पड़ता है, पल नहीं है। कोई ये न कायजा की अम्मा नहीं है, दिखावटी बन रहेगा उसमें। अरे अपनी बेटी से कह दे सूखी रोटी खा ले, और उससे कहेंगे सूखी रोटी है, कोई कहे जन सूखी रोटी ले, कोई कहे नहीं, इसलिए उसको चिपड़ करके कर्जा लेकर के भी जी पिलाएगा। अपने लड़के को सूखी रोटी खिलाए निसंकोच। जब हमारा देवसा रूप में अपनापन आएगा, आत्मा में अपनापन आएगा, तो आसंगों में अपनापन कौन लाएगा? दूस बाहर से लानी पड़ेगी। हमारी कर्म का उदय है, आकाश में से बोले हो ये परिणाम तो तुमने ही करी है। पंडित जी दीपचंद जी ने कहा कि भैया हम लिख के धरने देते हैं, कोई होगा तो सुन लेगा समझ लेगा, माने नहीं मानने वाले उस समय भी थे, हम नहीं माने, लेकिन अंदर में ये बात सोचो नहीं मानोगे तो हमारा अहित ही नहीं हुआ। तुम कहते रहोगे हमें कल्याण करना है, कल्याण कर नहीं पाओगे। जो कल्याणार्थी जीव है वह जिनाज्ञा को मानता है कि नहीं, जिनाज्ञा नहीं मानता कल्याण हो जाए, जिनाज्ञा को नहीं मानने वाले का अगर कल्याण हुआ हो तो बताओ आज तक। हम गुरु ये मत पढ़ो, हमारी गुरु ये पढ़ो। परम गुरु से लेकर के हमारी गुरु पर्यंत, लेकिन हमने तो अपने को स्वयं ही गुरु मान लो। तुम कह तो तुम कहो, हम सुनेंगे ही नहीं। अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं, अज्ञानी के गुरु बनना भी नहीं। लेकिन हमारे शिष्य अज्ञानी थोड़े ही हैं, हमने अज्ञानी को गुरु थोड़ी माना है। चोड़मल जी का ये वाक्य मानो किसी और ही की बातें करता है, बहुत मह चुका है। हम आपसे कितनी बार कह चुके, ऊंची बात है अच्छी बात है ये मत कहो, अपनी बात है अपने हित की बात है, ऊंची अच्छी कछ हो। माता की ताड़ना भी अच्छी, क्या लिखा दुआ नीति में, भली सुजन की त्रास मूर्ख की ममता बुरी, भली सुजन की त्रास जो गर्मी बढ़ती है पानी बरसने की आस भी आती है। अब पानी बरसे हो, हम संघर्षशील बनना सीखें। कितनी आए हड़ी घड़ियों हड़ी घड़ियों अमिताभ चंद्र,
आड़ी अटल पार, तो भी कभी निरोह कभी नहीं फटके पाए द्वार। विज्ञाने और ये संस्कृत में लिखा है कि नहीं, विघ्ने पुने प्रति है, बार बार विघ्न आने पर भी विघ्नों की परवाह नहीं करते, वीर पुरुष न्याय मार्ग को नहीं छोड़ते, अपने सिद्धांत से अपने ज्ञान से अपने आचरण से विचलित नहीं होते। मुंडा जितने आसन भी नहीं चलायमान होता, ज्ञान के अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होते। अरे ये तो तुम भी कह दोगे, हम कह रहे सिद्धांत से विचल होने वाले आसन से विचल होने को, आसन से विचल होने को अच्छा नहीं मानते, है तो बड़ी बात। हम उसे ऐसा मानते बड़पन का चिन्ह, बड़े आदमी होना अलग बात है, बड़ेपन की बू होना अलग बात। बड़ा आदमी किसे का नीची बात करे, हम इसके संपर्क में आने पर ये न लगे ये बहुत बड़ा आदमी। गया और बैठ गया वही बोरा, ये सुबह से बड़े यही आते थे तो बड़े बोरा बैठे एक कुर्सी ले आता हूं। हमने देखा है बड़ा आदमी आया बैठ गया, छोटा आदमी आया चटाई तो लिया आसनी लिया मैल, और बड़ा आदमी आया बैठ गया जहां जगह मिली। और हमें सोचना पड़ता है, कृत्रिमता करनी पड़ती है। सम्यक दर्शन में प्रदर्शन नहीं है और प्रदर्शन में सम्यक दर्शन नहीं है। उपयोग को सूक्ष्म करो, अंतरंग में बारंबार विचार करो, नहीं समझ में आता तुम्हारी समझ में नहीं आता तो तुम उससे पहले पूछो, जब तुमसे पूछा जाए उससे पहले पूछ लो। हमारी समझ में नहीं आता जब कह दी हमारी समझ में नहीं आता। अरे पहले समझ में क्यों नहीं आता ये तो समझो। समझ में आना ये तुम्हारी लौकिक भाषा है, शास्त्र की भाषा ज्ञान नहीं होना। ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है? ज्ञानावरण कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म के आश्रम का बंद का कारण क्या बनता है? ज्ञानाभ्यास में आलस्य करना, कौन भेद ज्ञान करे? इतनी देर में चार श्लोक पढ़ लेंगे, देखो नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। एक ही पढ़ो, प्यार मत पढ़ो, एक को पढ़ो, अहम को खलस हो दो, मैं एक हूं। यार घर का मेहमान भूखा रहता है, अरे वो कहते थे चतुर की चार जगह से बिगड़ते, अपने को ज्यादा चतुर मानोगे, अगर मानता मानते हो तो छोड़ देना, बिल्कुल छोटे बन करके जीना। मुर्दे को जिंदा माने तो ये कोई उपाय नहीं है, मुर्दे को मुर्दा माने यही उपाय है, उसका संस्कार करे अपने काम में लगे।
माने अजीब को अजीब समझ करके तुम अपने को जीव का अनुभव में लग जाओ, यही तुम्हारा उपाय है सुखी होने का, और कोई उपाय नहीं है। वो तो सब अहंकार का काम है, हम नहीं करेंगे हम करेंगे, तुम करने वाले होते कौन हो? अच्छा हम अजोटी नहीं बनाएंगे, तुम मनाने वाले होते कौन? उसी समय मेहमान आ गए क्या? अरे तुम तो पूरी बनाओगे रोटी का, बनाओगे या नहीं? लग गए वो कह रहे थे हम कचरी बनाएंगे। इतना करता तो अहंकार है, हम नहीं करेंगे। और 10 बार कह चुके हमारे बिना वही काम रुकेंगे जो हम कर रहे हैं। अब तो पंडिताई हम नहीं जानते, उस समय तुम्हारा योग उपयोगी हो जाएगा, कई योग उपयोगी निमित्त होता है। अरे ये पंडिताई तुम अपने पास रखो, हम ये कह रहे हैं जो कार्य होना होगा तो उसका योग उपयोग भी हो जाएगा। तुम कर्तव्य के अहंकार को अब तो छोड़ो, कौन सी कर्तव्य के अहंकार को मिथ्या कर्तव्य के अहंकार को छोड़ विचार ना। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन में जो तेरी शरणा गए छुपा वे सुखते जवानी के ज्ञान से सूजे रुका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक।